नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मैं गौरव राजकोंडू झाड़ग्राम जिला से गोपीवल्लभपुर बूथ का एक साधारण बूथ कार्यकर्ता हूँ। सबसे पहले भारतीय सेना द्वारा जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया उसके लिए भारतीय सेना और आपको बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या 2019 में देश भर में महागठबंधन का कोई असर होता दिख रहा है? देखिए, एक तो ये महामिलावट है, ये महागठबंधन बोलना ही बंद कर दीजिए। देखिए, महामिलावट के प्रभाव के बारे में पूछने से पहले आइए समझते हैं कि इस महामिलावट को आगे क्यों किया जा रहा है। बैठिए गौरव, बैठिए आप। हकीकत तो यह है कि खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों के कंधे पर सवार होने के लिए रास्ते खोज रही है। छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे वो फिर से अपना जिंदगी ढूंढ रही है। ये मिलावट कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए नहीं है, आप समझ लीजिए। ये पूरी कोशिश, ये पूरा मिलावट जो चल रहा है वो सिर्फ कांग्रेस को जीवित रखने के लिए है, कांग्रेस को अस्तित्व को बचाने के लिए है। कांग्रेस जो एक समय पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट उसी का झंडा फहरता था, पार्लियामेंट में 400 सीटें हुआ करती थी, आज उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, सांस लेने की ताकत नहीं उनकी, इसलिए वे अन्य दल के नेताओं को साथ लाने के लिए जितना झुकना पड़े, जो करना पड़े कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 98-99 में पंचमढ़ी में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत चर्चित सम्मेलन है, उनका कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में उनका घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा था कि हमें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही ठीक है, एकला चालो रे से लेकर हम साथ साथ हैं, यह कांग्रेस की मजबूरी की कहानी है। लेकिन देश की जनता समझदार है, यह महामिलावट तेल और पानी का मेल है। तेल और पानी के मेल से क्या होता है, इसके बाद न तो तेल किसी के काम आता है और न ही पानी किसी के काम आता है। ये महामिलावट का भी ऐसा ही है। साथ ही इस महामिलावट का हिस्सा कौन है, कौन लोग है उसमें, वो जो कभी एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते थे, आज वे कंधे से कंधा मिला करके साझा मंच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। याद करें, जरा याद करिए, सपा के लोगों ने मायावती जी के साथ कैसा व्यवहार किया था। याद करें कि वामपंथियों ने ममता दीदी के साथ कैसा व्यवहार किया था और ममता दीदी ने वामपंथियों के साथ कैसा व्यवहार किया था। याद करें कि यूडीएफ और एलडीएफ में कितनी लड़ाइयां चल रही है। याद करें कैसे कांग्रेस ने देवगौड़ा जी को अपमानित किया था। याद करें शरद राव पवार ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी। और आज भी जब भी मौका मिलेगा यह दल फिर वही दोहराने वाले हैं, बस मौके का इंतजार है। आज इन दलों को लगता है कि वे एक साथ आएंगे और लोग यह सब भूल जाएंगे। देश की जनता को मूर्ख मत मानिए, यह महामिलावट, आप जानते हैं कि मिलावटी चीज सेहत के लिए कितनी खराब होती है, और यह महामिलावट तो देश को आईसीयू में डाल सकती है। इस महामिलावट का टीवी स्क्रीन पर बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये महामिलावट
अवसरवादी, वंशवादी और भ्रष्ट लोगों का एक मिलन समारंभ है। बचने के रास्ते सब खोज रहे हैं। लोग जानते हैं कि ऐसी मिलावट से न तो देश मजबूत रहता है और न ही देश में स्थिरता रहती है, जिसकी किसी भी देश की प्रगति में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है।